आंध्र से पीएम मोदी का नया नारा, 4 जून को 400 पार, कहा तीसरे कार्यकाल में हमारी सरकार बड़े फैसले लेगी। कांग्रेस पर बढ़ से पीएम मोदी, कहा इनका एक ही एजेंडा, गठबंधन को इस्तेमाल कर फेंक देना, हमारे एनडीए की ताकत बढ़ रही है। चुनावी बिगुल के बाद मुंबई में इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन, एक साथ मंच पर जुटे तमाम दिग्गज। फारूक अब्दुल्ला ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा बटन दबाते समय देखिएगा वोट किसको गया, एनडीए सरकार आई तो चोर मशीन बंद होगी। न्याय यात्रा के समापन में शामिल नहीं हुई अखिलेश, चिट्ठी लिखकर कहा चुनावी तैयारियों की वजह से नहीं आ पाया। सीएम स्टालिन ने पीएम पर साधा तंज, कहा 10 साल में 2 काम किए, पहला 19 विदेश यात्राएं और दूसरा फेक प्रोपेगेंडा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिलेगी, कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक का बयान। इंडिया अलायंस की रैली पर सीएम शिंदे का निशाना, वीर सावरकर के खिलाफ बोलने वालों को जनता सिखाएगी सबक। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, एकनाथ शिंदे ने उद्धव की पीठ में छुरा घोंपा, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। मिलिंद देवड़ा पर सांसद अरविंद सावंत का पलटवार, वीर सावरकर अब तक क्यों नहीं मिला भारत रत्न, यूबीटी कब से कर रही है मांग। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का दावा, यूपी में बीजेपी 40 सीटें गंवाने जा रही है, गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है। रामगोपाल यादव ने कहा बीजेपी का नया मंत्र, लोगों को राम मंदिर के दर्शन कराओ, चुनाव का टिकट कमाओ। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव को टिकट देने पर बोले सांसद निरहुआ, अखिलेश यादव को परिवार से बाहर कोई यादव मिला ही नहीं। आजमगढ़ की जनता इस बार बीजेपी को सिखाएगी सबक, सपा उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का बयान। चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस को झटका, विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी बीजेपी में हुए शामिल। सीएम धामी ने राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में आने का किया स्वागत, कहा उत्तराखंड में सभी सीट जीत रही है बीजेपी। चुनाव प्रचार में जुटे उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, हरिद्वार में गंगा पूजा की, कहा कांग्रेस बता ही नहीं पा रही उनके पास उम्मीदवार हैं या नहीं। गुलाम नबी आजाद की चुनाव आयोग से मांग, लोकसभा के बाद जम्मू कश्मीर में कराएं विधानसभा चुनाव। बीजेपी चुनाव प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर का बयान, केरल की जनता भी शांति समृद्धि और प्रगति चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को झटका, सांसद रंजीत रेड्डी और विधायक दानम नागेंद्र ने कांग्रेस ज्वाइन की। राजस्थान में 25 कमल के फूल खिलेंगे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का दावा। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को झटका, आदिवासी नेता आमशिया पांडवी शिंदे गुट में हुई शामिल। बिहार में सीट शेयरिंग की औपचारिकता हुई पूरी, सिर्फ ऐलान बाकी, मंत्री संतोष सुमन ने दिया बयान। अरुणाचल और सिक्किम में काउंटिंग की तारीख बदली, अब 4 की जगह 2 जून को होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की बड़ी मुश्किलें, महादेव ऐप मामले में एफआईआर हुई दर्ज। अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर बोले भूपेश बघेल, समझ नहीं आ रहा बीजेपी इतनी डरी हुई क्यों है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की बड़ी मुश्किलें, शराब घोटाले और दिल्ली जल बोर्ड मामले में ईडी ने 2-2 समन भेजे। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा बीजेपी को जांच से कोई मतलब नहीं, वो केजरीवाल को जेल भेजना चाहती है। केजरीवाल को ईडी के 9वें समन पर बोली सुप्रिया सुले, ये स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण। अरविंद केजरीवाल के पास अब सम्मान नहीं सिर्फ समन बचा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कसा तंज। के कविता से ईडी दफ्तर पहुंचे भाई केटी रामाराव, शराब घोटाले में 23 मार्च तक ईडी कस्टडी में है के कविता। यूट्यूबर अल्वेश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, सांपों के जहर केस में नोएडा पुलिस ने किया था गिरफ्तार। अल्वेश यादव पर एनडीपीसी एक्ट भी लगाया गया, इस धारा में 10 साल तक हो सकती है सजा। ईसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का नया डेटा वेबसाइट पर डाला, बीजेपी को 6,000 करोड़ से ज्यादा के मिले चुनावी बॉन्ड। कपिल सिब्बल ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बताया बड़ा घोटाला, कहा इस पर जवाब क्यों नहीं देती बीजेपी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सचिन पायलट का बीजेपी से सवाल, पूछा इस घोटाले में हुई कितनी कमाई। चुनावी बॉन्ड घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला, जिससे पूरा देश हैरान, अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पर विवाद में एक्शन, 20 से 25 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर, एक की पहचान हुई। असुद्दीन ओवैसी ने मामले पर जताई नाराजगी, नमाज पढ़ रहे छात्रों से मारपीट, बेहद शर्मनाक। विदेशी छात्रों से मारपीट मामले में विदेश मंत्रालय का बयान, अपराधियों पर राज्य सरकार कर रही है कार्रवाई। पेपर लीक के आरोपियों की पटना कोर्ट में हुई पेशी, गैंग के मेंबर्स और 300 अभ्यर्थियों को भेजा गया जेल। पेपर लीक को लेकर तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला, बिहार में गजब हो रहा है, एडमिट कार्ड के पीछे उत्तर लिखा मिल रहा है। लालू राज में बीपीएससी अध्यक्षों को जेल भेजा जाता था, तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का पलटवार। कर्नाटक में जल संकट पर सरकार का फोकस, कल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की होगी बैठक। आईएसआईएस मॉड्यूल केस में एनआईए की कार्रवाई, पुणे में आतंकियों से जुड़ी 4 अचल संपत्तियां कुर्क की। हुक्का बार और अवैध शराब को लेकर पंजाब पुलिस का एक्शन, 6 से 7 जगहों पर की रेड, एफआईआर भी हुई दर्ज। यूपी के रायबरेली में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, एक शख्स की मौत, जांच जारी।
तमिलनाडु के नीलगिरी के जंगलों में लगी भीषण आग, इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 चॉपर्स ने की पानी की बौछार। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भारी बर्फबारी, भारी मशीनरी के साथ बर्फ हटाने में जुटा BRO। भारी बर्फबारी की वजह से बांदीपुरा गुरेज सड़क बंद, कंजाल बांध क्षेत्र में फंसे 120 यात्रियों को किया गया एयरलिफ्ट।